उज्जैन शहर के अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग जगहों पर से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे रहे थे और फिर पुलिस जांच कर रही थी। उसी दौरान माधवनगर चिमनगंज थाना और नागचुरी थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर युवकों को गिरफ्तार किया है और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से चोरी की 14 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है उन्हें जब्त की गई और इन गिरफ्तार किए हुए चोर युवकों से अब 3 थानों की पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है कि यह कब से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और कहां कहां से इन्होंने मोटरसाइकिल चुराई है और कहां कहां पर इन्होंने बेची है। सिटी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाहन चोरी का खुलासा करते हुए बताया है कि उक्त चोर गिरोह कुछ युवक नाबालिग भी हैं और कुछ आदतन बदमाश हैं। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।